हाय फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए कैप बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, एक कैप की डिजाइन है, बहुत ही सुंदर है और देखिए बहुत ही इजी से बनाने में भी है। देखिए इस तरह से मैं बनाई हूँ। इसकी बॉर्डर मैं मेजरमेंट करके आपको मैं बताती हूँ। इसकी बॉर्डर मैं करीब 3 इंच में बनाकर कंप्लीट की हूँ। देखिए 3 इंच में बॉर्डर रखी हूँ, जिसे कि इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरह से। ये फोल्ड करके आप इसे कैप पहन सकती हैं। और ये डिजाइन जो है बहुत ही इजी है। देखिए बहुत स्ट्रेचेबल एक कैप की डिजाइन है। ये जो डिजाइन डालेंगी आप स्वेटर में या कैप में, कोई भी चीज़ पर डिजाइन डालेंगी तो इस तरह से सिकुड़ा हुआ दिखेगी, पर ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है। देखिए इस तरह से। तो ये मैं जेंट्स के लिए कैप बनाई हूँ। आप ये डिजाइन डालकर लेडीज, जेंट्स या बच्चे के लिए भी कैप बना सकती हैं डिजाइन डालकर। और डिजाइन बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। मैं हर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि डिजाइन किस तरह से डालनी है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कैप के डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अलग अलग डिजाइन में कैप में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। शायद उसमें से भी कोई भी डिजाइन आपको पसंद आ जाए। बच्चे जेंट्स के लिए हर तरह के मैं कैप बना के यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ। तो आइए देखिए मैं बनाना इसको स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए सिलाई पे मैं फंदे डाल रखी हूँ। देखिए 9 नंबर की मैं सिलाई यूज कर रही हूँ और ये ऊन 2 प्लाई की है। देखिए पतली है, इसीलिए मैं इसको डबल करके मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो मोटी ऊन से बना सकती हैं या फिर इसी तरह से डबल करके बना सकती हैं। और इस सिलाई पे मैं पूरे 92 फंदे में डाली हूँ। जो फंदे में डाली हूँ ये 92 फंदे है, 92 फंदे। इसके बाद में देखिए फर्स्ट रो में बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं बॉर्डर बनाऊँगी। ये मैं जेंट्स के लिए कैप बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 फंदा उल्टा सिलाई बनाऊँगी पहले, 1 2। इसके बाद धागा पीछे करूंगी और 2 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, 1 2। धागा आगे करूंगी और 2 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी। इसी तरह से बॉर्डर बनेगी, 2 फंदा उल्टा सिलाई और 2 फंदा सीधी सिलाई। इस तरह से बॉर्डर बनेगी है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए सारे फंदे में कंप्लीट कर लूंगी फर्स्ट रो। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं सेकंड रो बनाऊंगी। सेकंड रो में देखिए 2 फंदा इस तरह से मैं सीधी सिलाई बुनूंगी, 1 2। धागा आगे करूंगी और 2 फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी, 1 2। धागा पीछे करूंगी, 2 फंदा सीधी सिलाई, धागा आगे करूंगी, 2 फंदा उल्टा सिलाई। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है। तो सेम इसी तरह से मैं बॉर्डर बनाते हुए मैं पूरी 3 इंचेस में पूरी कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बॉर्डर पूरी कंप्लीट कर ली हूँ बनाते हुए। इसके बाद में इसके आगे मैं डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे मैं 1 फंदा में बढ़ा ली हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में सिलाई जब स्टार्ट की थी मैं, यहाँ पे मैं 92 फंदा से मैं इसे स्टार्ट की थी, यहाँ पे 1 फंदा में बढ़ा ली हूँ तो 93 फंदे हुई है। जैसे कि ये डिजाइन जो है बनती है हमेशा, जैसे कि 5 7 11 इस तरह से फंदे रखेंगी तभी ये डिजाइन सही बनेगी। ये जोड़ा फंदे में डिजाइन नहीं बनती है, इसलिए 93 फंदे हो गई है सिलाई में। इसके बाद में देखिए डिजाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में पहले 2 फंदा में सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से 1 2। देखिए इस तरह से। और देखिए ये जो फंदा सीधी सिलाई जो दिख रही है इसको मैं उल्टा बनाऊंगी।
देखिए वन टू, टू फंदा मैं यहाँ पे उल्टा सिलाई में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए धागा पीछे करूँगी और देखिए यहाँ पे वन फंदा उल्टा और वन फंदा सीधी सिलाई है, तो दोनों को मैं सीधी सिलाई बनूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद धागा आगे करूँगी और टू फंदा इस तरह से उल्टा सिलाई, टू फंदा सीधी सिलाई, देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए डिजाइन का फर्स्ट रो में बना रही हूँ, फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं फर्स्ट रो में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट का देखिए यहाँ पे मैं टू फंदा पहले सीधी सिलाई बुन लूँगी, धागा आगे करूँगी, लास्ट का देखिए वन फंदा बच रही है तो इसे मैं उल्टा सिलाई बना लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद मैं सिलाई को पलट लूँगी और दूसरी साइड से, जैसे कि मैं यहाँ से मैं बनाई थी टू फंदा सीधी सिलाई, सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टार्ट करूँगी। टू फंदा पहले सीधी सिलाई बुनूंगी, वन टू, धागा आगे करूंगी, टू फंदा सीधी सिलाई, टू फंदा उल्टी सिलाई। देखिए इस तरह से, देखिए एक सीधी सिलाई वाला फंदा दिख रही है, एक उल्टी सिलाई, दोनों में से वन वन फंदा इस तरह से टू फंदा सीधी सिलाई बनाऊंगी, धागा आगे करूंगी, टू फंदा उल्टा सिलाई, टू फंदा सीधी सिलाई। देखिए इस तरह से धागा आगे करूँगी। सिर्फ ये डिजाइन जो है वन रो की है, जिससे कि मैं ये जो बॉर्डर बन रही थी ये बॉर्डर को मैं इस तरह से मैं वन फंदा यहाँ पे उल्टा सिलाई में बुनती हूँ। और ये जो है डिजाइन जब डालेंगी तो स्वेटर में, कैप में, कोई भी चीज़ में डिजाइन डालेंगी तो हमेशा फंदा जो है डबल आप नहीं रखेंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं सेकेंड रो में बनाकर कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड रो में। देखिए फ्रेंड्स मैं सेकेंड रो में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पर देखिए टू फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी और लास्ट का वन फंदा जो है इसे उल्टा सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए बैक साइड से पलट लूंगी तो फर्स्ट और सेकेंड रो में कंप्लीट कर ली। थर्ड रो में बनाऊंगी टू फंदा सीधी चल सिलाई, वन टू, टू फंदा उल्टा सिलाई, टू फंदा सीधी सिलाई, टू फंदा उल्टा सिलाई। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी डिजाइन। सेम इसी तरह से बनाती जाएंगी तो सीधी चैन की तरह ये डिजाइन बनेगी, जैसे कि बनी हुई है सीधी ये लाइनें, सेम उसी तरह से ये वन लाइनें बनेगी। जैसे इसमें टू लाइन है बॉर्डर में ना, तो डिजाइन में जो है वन लाइन चैन की तरह ये डिजाइन बनती जाएगी। सेम इसी तरह से आप इसको रिपीट करते रहेंगे। लास्ट का जो फंदा जैसी आएगी उसको उसी तरह से बुननी, जैसे उल्टा सिलाई यहाँ पे आएगी तो अगर उल्टा बुनना है, सीधी सिलाई आएगी तो सीधी सिलाई बुननी है। इसी तरह से मैं कंप्लीट करते हुए मैं एक कैप में कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से बनाते हुए देखिए फ्रेंड्स मैं, जैसे कि मैं टू फंदा उल्टा और टू फंदा सीधी सिलाई इस तरह से बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए ये बनाते जाएंगे तो देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगी। देखिए बहुत ही सुंदर ये डिजाइन है कैप के लिए। तो टू फंदा उल्टा और सीधा बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। मैं इसको मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी लंबाई करी मैं 9 इंचेस में कंप्लीट की हूँ। जैसे कि ये जो बॉर्डर है ये इस तरह से फोल्ड होगी, तो इसे मैं 9 इंचेस में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से मैं फंदे घटाऊंगी। तो फंदे घटाने के लिए मैं देखिए मैं पिन में लगा के रखी हूँ फंदे को काउंट करके।
जैसे कि ए सलाई पे 93 फंदे हैं। 93 फंदा है तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 93 फंदा है। तो इसमें मैं पहले स्टार्टिंग में मैं 11 फंदा में रखी हूँ, इसके बाद 3 फंदा में घटा लूँगी। जैसे कि 3 को मैं एक साथ में बुनूंगी तो 2 फंदा घट जाएगी, 1 फंदा यहाँ पे बचेगी। इसके बाद में 20 फंदा में बुनूंगी, इसके बाद में 3 फंदा में घटा लूँगी, 20 फंदा में बुनूंगी, 3 फंदा में घटाऊंगी, 3 के साथ में 1 करूंगी इस तरह से। इसके बाद 20, 3 फंदा, 3 के साथ 1 करूंगी और लास्ट में मैं 10 फंदा में रखी हूँ। तो सारे फंदा मिलाकर 93 फंदा आ रही है। तो इस तरह से मैं इसको मैं फंदे को मैं काउंट करके मैं मार्क लगा ली हूँ। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जगह इसमें घटेगी। ये सिलाई पूरी भरी हुई है इसलिए मैं अच्छे से काउंट करके मैं आपको नहीं बता पाती, इसलिए मैं कॉपी में बता दी हूँ। देखिए इस तरह से मैं फंदे को मैं रखी हूँ। इसके बाद देखिए मैं घटाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ से 11 फंदा मैं बुन लूँगी, जैसे कि मैं बना रही थी पहले से सेम उसी तरह से बनाऊँगी। देखिए 2 फंदा सीधी सिलाई, 2 फंदा उल्टा सिलाई, 2 फंदा सीधी सिलाई, 2 फंदा उल्टा सिलाई, 2 फंदा सीधी सिलाई। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, देखिए 1 फंदा उल्टा सिलाई, ये 11 फंदा मैं बुन ले हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे धागे को मैं पीछे करूँगी और एक चीज़ और, जैसे कि ये चैन की तरह जो डिजाइन बन रही है इसी पे मैं फंदे घटाऊँगी। तो देखिए ये 3 फंदा है, बीच में 1 फंदा सीधी सिलाई वाली है, तो इसको मैं क्या करूँगी, देखिए 1, 2, 2 फंदा मैं इस तरह से सिलाई पर उतार लूँगी और देखिए ये जो फर्स्ट फंदा है ये सिलाई पर मैं ले लूँगी और देखिए ये बीच वाला जो फंदा है इस तरह से इसके ऊपर मैं छोड़ दूँगी। देखिए तो ये 2 फंदा और एक ये 3, देखिए 3 फंदा एक साथ में लेकर सीधी सिलाई से मैं बुन लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, जैसे कि ये जो डिजाइन चैन की तरह बन रही है इसी तरह से बनती जाएगी। इसके बाद में इसके आगे में 20 फंदा मैं बुनूंगी, जैसे कि मैं बना रही थी 2 फंदा उल्टा सिलाई और 2 फंदा सीधी सिलाई बुनते हुए 20 फंदा मैं बुन लूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से यहाँ तक 20 फंदा मैं बुन ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरह से फंदा घटाऊंगी। देखिए 3 फंदा है, तीनों को मैं एक साथ में बुन लूँगी। देखिए पहले मैं इस तरह से फंदे को मैं इस इधर से इस पे मैं चढ़ा लूँगी, ये बीच वाला जो चैन की तरह है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, सबसे ऊपर रहेगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इस तीनों फंदा को एक साथ में सीधी सिलाई बुन लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद धागा आगे करूँगी और इसकी नेक्स्ट में 20 फंदा में 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मैं 2 जगह में घटाते हुए मैं आपको दिखा दी हूँ, सेम उसी तरह से मैं 2 जगह और मैं घटा लूँगी। तो ये रो में पूरी कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर ली हूँ, 4 जगह में फंदे घटा ली हूँ। इसके बाद देखिए दूसरी साइड से जो फंदा जैसी दिखेगी उसी तरह से बुननी है, जैसे कि जो फंदा उल्टा दिखेगी उसको उल्टा बुनूँगी, जो फंदा सीधी सिलाई दिखेगी उसको मैं सीधा बुनूँगी।
देखिए, टू फंदा स्टार्टिंग का सीधी सिलाई बुनूंगी, टू फंदा उल्टा सिलाई, और देखिए टू फंदा सीधी सिलाई, टू फंदा उल्टा सिलाई, देखिए इस तरह से टू फंदा सीधी सिलाई। ये डिजाइन को आप ध्यान में रखते हुए इसे बुननी है, जैसे कि ये डिजाइन खराब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चैन की तरह जो डिजाइन बन रही है ये इसी तरह से बनती रहेगी। अगर आपका एक दो फंदा इधर उधर हो रही है, जैसे कि कम या ज़्यादा हो रही है, तब साइड में रख सकती हैं या बीच में कहीं भी आप इस तरह से घटा सकती हैं। पर ये जो डिजाइन फंदे जो घटाना है, ये चैन के पास ही फंदे घटेगी, तभी ये डिजाइन अच्छी बनेगी। इसी तरह से बनाते हुए मैं दूसरी साइड से मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रो में दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, बैक साइड से सारे फंदे जो जैसी थी उसी तरह से मैं बुन रही हूँ। पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जैसे कि देखिए टू फंदा यहाँ पे मैं उल्टा सिलाई बनाई हूँ, इसके बाद टू फंदा सीधी सिलाई। तो पहले मैं वन फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, और देखिए यहाँ पे वो जो सीधी सिलाई वाला जो फंदा थी वो घट गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखिए इस साइड से चैन की तरह दिख रही है, इसे भी मैं उल्टा सिलाई बुन लूँगी, वन फंदा उल्टा सिलाई इस तरह से बुन लूँगी, ताकि दूसरी साइड से डिजाइन जो है सही बनेगी। इसके बाद देखिए टू फंदा सीधी सिलाई, टू फंदा उल्टा सिलाई, इस तरह से लास्ट का 11 फंदा है इसको इसी तरह से बुन लूँगी। इसके बाद देखिए दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से फंदा घटाऊंगी, बैक साइड से मैं बना ली हूँ। तो पहले देखिए टू फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, टू फंदा उल्टा सिलाई, इस तरह से मैं 10 फंदा में बुनूंगी। स्टार्टिंग का मैं 10 फंदा इस तरह से बना लूंगी। देखिए इस तरह से मैं 10 फंदा में बुन ली हूँ। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 10 फंदा में बुन ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं फंदे घटाऊंगी, तो ये बीच वाले जो फंदे हमेशा इस तरह से मैं इसको पलट लूंगी। देखिए ध्यान से देखिए आप, ये जो बीच वाले जो फंदा है ये ऊपर रखूंगी इस तरह से, और इस तरह से सिलाई डालकर इसे मैं सीधी सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे वन फंदा में उल्टा सिलाई बुनूंगी, इसके बाद देखिए टू फंदा सीधी सिलाई, जैसे कि जो डिजाइन बन रही थी सेम उसी तरह से बनती जाएगी। सिर्फ जहाँ पे मैं फंदे घटा रही हूँ वहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए डिजाइन सेम इसी तरह से बन रही है, हर जगह में यहाँ पे फंदे घटाते हुए बनानी है। जैसे कि दूसरी साइड से बनाऊंगी तो फंदे नहीं घटाऊंगी, इधर से मैं बनाऊंगी तो फंदे में घटाऊंगी। तो इसी तरह से मैं फंदे घटाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैं घटाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए ये फ्रंट साइड है और ये देखिए बैक साइड है। तो बैक साइड में ये जो डिजाइन जो पैटर्न बन रही थी, ये पैटर्न जो है यहाँ पर देखिए बंद हो गई है, जैसे कि चैन की तरह जो डिजाइन बन रही थी ये यहाँ पर खराब हो गई है। तो एक साइड में दिक्कत होगी, दूसरी साइड में शेप सही बननी चाहिए फ्रंट साइड। जैसे कि देखिए एक फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में देखिए सारे पैटर्न सही बन रही है। देखिए जो चैन की तरह डिजाइन जा रही है, देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ यहाँ पर फंदे घटी हुई है। और लास्ट ये रो में बना रही हूँ, तो लास्ट रो में देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से मैं फंदे घटाई हूँ। देखिए ये दोनों पैटर्न जो है एक साथ यहाँ पे बन गई है। तो लास्ट रो में देखिए यहाँ पे मैं 3 और इस साइड से 3, 6 मैं फंदे यहाँ पे घटाऊंगी, एक साथ में 6 फंदे में घटाऊंगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3 फंदा मैं इस तरह से सिलाई पर ले लूंगी,
और इसके बाद में देखिए वन फंदा ये जो है इसको मैं इस तरह से छोड़ दूंगी। यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फंदा ऐसे लाइफ पर चढ़ा दूंगी। और देखिए ये जो बीच वाले जो फंदा है चैन की तरह जो डिजाइन बनते आ रही है इसको मैं यहाँ पे मैं रखूँगी इसके ऊपर। इसके बाद देखिए सिक्स फंदा में मैं सिलाई डालूंगी एक साथ। थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर आपको दिक्कत ज़्यादा अगर हो रही है तो आप इसे क्रोशिया से भी निकाल सकती हैं। देखिए इस तरह से मैं सिक्स फंदा और बीच में कर वन, तो सेवन फंदा हो गई है। तो एक साथ में सेवन फंदा को एक साथ में बुनूंगी तो सिक्स फंदा घट जाएगी, वन फंदा यहाँ पर रहेगी। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल लूँगी, थोड़ी सी टाइट होगी, आप चाहे तो क्रोशिया से भी निकाल सकती हैं। इसके बाद देखिए सारे फंदा मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए इस तरह से बन गई है पैटर्न। इसके बाद यहाँ पे मैं वन फंदा में सीधी सिलाई बुनूंगी, टू फंदा में उल्टा सिलाई बुनूंगी, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे फंदे घट गए ही। यहाँ पे सिक्स फंदा में एक साथ में घटाई हूँ, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से करी हूँ, वन टू थ्री जगह में सिक्स फंदा में घटाई हूँ। अरे लास्ट में यहाँ पे मैं घटा लूंगी, बाकी जो बीच में कर जो फंदा जैसी है उसको मैं उसी तरह से बुनूंगी, टू फंदा सीधी सिलाई, टू फंदा उल्टा सिलाई, टू फंदा सीधी सिलाई, इसी तरह से लास्ट फंदे भी मैं घटाकर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट का ये टू फंदा है, यहाँ पे मैं उल्टा सिलाई बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन गई है। इसके बाद मैं बैक साइड से मैं सारे फंदे में घटा लूंगी, टू फंदा देखिए एक साथ में बुनते हुए इस तरह से घटा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं सारे फंदे में घटा ली हूँ। इसके बाद देखिए लास्ट का वन फंदा है, देखिए ऊन को मैं कट करके मैं सुई डाल ली हूँ जिससे कि मैं स्टिच करूँगी, और वन फंदा मैं इस तरह से सुई में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए गांठ हो गई, बन गई है। इसके बाद देखिए ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो इस तरह से मैं स्टिच करूँगी। तो पहले देखिए ये जो है सारे फंदा मैं घटाई हूँ, इसमें इस तरह से सुई डालते हुए निकालूंगी, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं सारे फंदे में इस तरह से सुई को मैं डालते हुए निकाल ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से टाइट करके इसे मैं स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे मैं सुई डालूंगी और अच्छे से टाइट करके मैं स्टिच करूंगी जिससे कि होल जो है छोटी सी बनेगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैक साइड से अंदर मैं सुई डाल लूंगी और इसे यहाँ से यहाँ तक मैं स्टिच कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, तो सेम इसी तरह से यहाँ तक मैं स्टिच कर लूंगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टिच कर ली हूँ। कैप ये पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये कैप की डिजाइन जो बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है, देखिए इस तरह से फैलेगी। तो ये मैं जींस की साइज में कैप में बनाई हूँ। इस तरह से आप फोल्ड करके पहन सकते हैं, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही इजी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये सिंगल कलर में डिजाइन है। आप ये डिजाइन किसी के लिए भी डालकर बना सकती हैं, लेडीज जेंट्स या बच्चे के लिए भी ये डिजाइन डालकर बना सकती हैं। और ये डिजाइन स्वेटर में भी डाल सकती हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है। चार जगह में इस तरह से मैं घटाई हूँ, 1 2 3 4 इस तरह से पैटर्न बन गई है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज में मैसेज कर सकती हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके भी आप सेंड कर सकती हैं फेसबुक पेज पर। और फ्रेंड्स मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।